नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2800 पोस्ट आए थे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, लिंक जो है मॉक टेस्ट का एक्टिवेट हो गया है। इसमें दिया है लिंक फॉर मॉक टेस्ट फॉर अपकमिंग 2800 CBT एग्ज़ाम 6 सितंबर। देखिए दोस्तों, आज ही अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है और इसके साथ में आप दोस्तों इस लिंक पर चलते हैं। ऐसे आप लिंक ओपन करेंगे तो कुछ तरह इस तरह का जो है इंटरफेस खुलकर आएगा और इसमें देखिए आपका ये सिस्टम दिया रहेगा कि हाँ ऐसे सिस्टम रहेगा। सिस्टम का जो है SSC001 सिस्टम नेम, उसके बाद अपना ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आप साइन इन कर दीजिएगा। साइन इन करेंगे, साइन इन करते ही जैसे ही आपका जो है ऐसे लोडिंग होने लगेगा। लोडिंग होने के बाद जो है आपका पेज जो है ऐसे खुलकर आएगा। ऐसे पेज खुलेगा दोस्तों, ये इंग्लिश में रहेगा, आप हिंदी में भी इसको कर सकते हैं। ऐसे आप हिंदी में कर लेंगे तो सब कुछ निर्देश आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद दोस्तों इसमें साफ साफ दिया कि जो प्रश्न आप करेंगे वो उसका ऐसे ही नंबर दिया रहेगा दोस्तों, ऐसे ही रहेगा और आप ऐसे देखते जाइएगा। पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप जो है और सभी प्रश्न जो रहेंगे आपके बहुविकल्पी टाइप के रहेंगे। इसमें क्लियर, रिस्पॉन्स, सेव एंड नेक्स्ट, आप अपना उत्तर सुरक्षित करने के लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट का क्लिक करना रहेगा। ऐसे दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़कर तभी जो है आप जो है प्रश्न वाले पेज पर जाइएगा। जब आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये जो है ऑप्शन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट करने के बाद जो है आपका जो है ऐसे आ जाएगा, जो है पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में आपको कैसे क्या करना है देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ हिंदी कर लिए हैं। हिंदी करने के बाद आप जो है यहाँ पर अब आपका दिया है कि कितने प्रश्न कहाँ कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंक के रहेंगे। देखिए दोस्तों, और साफ साफ इसमें दिया है कि गलत उत्तर के लिए प्रति प्रश्न नकारात्मक अंक है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें दिया है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन नर्सिंग से 8 नंबर रहे, 8 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 8, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 8, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 8, एजुकेशनल से 8 रहेंगे दोस्तों, ऐसे ही रहेंगे। और आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 20 नंबर के रहेंगे, दो एक एक नंबर के रहेंगे सब। और इसके साथ में दोस्तों मैं बता रहा हूँ 80 नंबर जो रहेंगे आपके 80 नंबर रहेंगे सब्जेक्ट से और 20 नंबर जो है आपके जनरल एप्टीट्यूड से रहेंगे। तो दोस्तों मैं आज से शुरू कर दिया हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से लेकर NM। जो भी भाई बहनें चैनल पर नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज से मैं जो है अपने YouTube के माध्यम से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का हुआ, NM का हुआ, इन सब का जो है क्लास शुरू कर दिया हूँ। कई वीडियो अपलोड भी हो गए हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिएगा, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। प्रश्न केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगत के मामले में अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा, अंग्रेजी के लिए प्रबल कहा जा रहा है। एक प्रश्न स्क्रीन पर एक बार में प्रदर्शित किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप प्रति प्रश्न समय व्यतीत करने की मात्रा के विषय में जागरूक रहें, किसी भी प्रश्न पर अधिक समय ना दें। देखिए दोस्तों ऐसे दिया है, ये आपका जो है टोटल दिया है कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, इस हिसाब से आप हिंदी इंग्लिश ऊपर से कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको जो है यहाँ पर दिया है प्लीज सेलेक्ट चूज लैंग्वेज, आप यहाँ पर भी चूज कर लीजिए लैंग्वेज। लैंग्वेज चूज करने के बाद जो है अब हिंदी आपने कर लिया है, हिंदी करने के बाद यहाँ पर आप टिक कर लेंगे, जो यहाँ पे है इसको आपको टिक कर लेना है। टिक करेंगे तो उसका I am ready, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है I am ready, इस ऑप्शन पे आपको जाना रहेगा। इस ऑप्शन पे जाने के बाद जो है अब आपका जो है प्रश्न खुल जाएगा, ऐसे लोडिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी आपका पेज खुलकर सामने आएगा। ऐसे दोस्तों देखिए पेज खुलकर आएगा, पेज खुलने के बाद आप अपने हिसाब से, जैसे पूछ रहा है कि पाई का मूल्य क्या है, पाई का मूल क्या 3.14 इस तरह दिया है। अब आप इस पर क्लिक करिएगा, क्लिक इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ गया, पाई का मूल्य क्या है। तो दोस्तों इसमें एक आपको जो है इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसे आपको करना है। फिर उसके बाद आप जैसे यहाँ पर करेंगे, करने के बाद जो है आप जो है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है सेव एंड नेक्स्ट, फिर इस पर जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा। जैसे जितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, ये देखिए दो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट किए, दोनों हरा हो जाएगा, हरा एकदम ऐसे होगा। फिर जब लास्ट में जब आप टोटल क्वेश्चन सब 100 का 100 कर लेंगे तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, इसमें जो है तब दोस्तों आपको ये सबमिट बटन है, सबमिट बटन आपको दबा देना है जब 100 के 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि माइनस मार्किंग नहीं है,
दोस्तों माइनस मार्किंग जो है आपकी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है 100 में से 100 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट बटन लगा दीजिएगा। सबमिट बटन दबाने के बाद आपका सब कुछ टोटल जो है सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो बताया हूँ आप लोगों को, और जो भी भाई बहने चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैं CHO का क्लास शुरू कर दिया हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।